आज अगर फिर स्वागत है मेरे नए वीडियो में, तो आपको बताएंगे नो कॉपीराइट एक भी आपकी वीडियो पर नहीं आए तो वो आप कैसे करें। आप अगर म्यूजिक डाल रहे हैं वीडियो में तो उसके बाद आपका कॉपीराइट क्लेम आ जा रहा है, तो वो ऐसे कैसे बचे, उससे इशू से उस प्रॉब्लम से कैसे बचे, तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बन रही है। आपको मैं बताऊँगा कि इस नो कॉपीराइट क्लेम आपके वीडियो पर एक भी नहीं आए, एक भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आए, तो उससे रिलेटेड मैं आपको सारे टिप्स बताऊँगा कैसे क्या करना है। तो आप मेरे वीडियो बन रही है, चलो स्टार्ट आप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कहाँ से आपको म्यूजिक डाउनलोड करना है जो अपने बैकग्राउंड में यूज करना है, जो जिससे उस म्यूजिक की वजह से आपकी वीडियो में आपने वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, चाहते हैं कि आप बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक लगाएं और भी नो कॉपीराइट वाला म्यूजिक लगाएं, डालने के बाद कोई कॉपीराइट क्लेम ना है। तो उसके रिलेटेड मैंने ये म्यूजिक NCS नाम के आप YouTube पे सर्च करना, वहाँ से जाके म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो, या गूगल पे सर्च करके वहाँ से भी NCS करके वहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और जो सेकंड है, आप YouTube के लाइब्रेरी से भी आपको जो मन चाहा जैसे जो भी पसंद है अपने बैकग्राउंड में लगाना है वीडियो का, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। जो थर्ड है पिक्सल भाई वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं सबका मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे, आप पिक्सा भाई जो है वहाँ से भी जाकर सर्च कर सकते हो और वहाँ पे भी कोई भी इमेज लगा लो, कोई भी वीडियो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और कोई भी मतलब म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आप अपना यूट्यूब में ऐड कर सकते हो। कोई आपको प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा और अच्छे से आपका कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ऐसे करोगे तो कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और आपका वीडियो बचा रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये फोर्थ है, जैसे आप शॉर्ट वीडियो कोई इंस्टा से कहीं से भी आप डाउनलोड कर ले रहे हो और उसमें म्यूजिक है, चाहते हो सेम म्यूजिक ही वही म्यूजिक मेरा यूट्यूब पे लगे, तो आप इसे जिस चैनल पे डालना चाहते हो उस चैनल को लॉगिन कर लेना यूट्यूब में। उसके बाद आप सेंटर में आना तो प्लस वाला एक आइकन आएगा सेंटर में नीचे, अब वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके एक पॉपअप ओपन होगा ऊपर, वहाँ पे थर्ड पॉइंट आएगा। तो आप शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हो तो शॉर्ट वीडियो में आप वहाँ शॉर्ट वाले पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद ऊपर आएगा ऐड म्यूजिक, उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। उससे क्लिक करने के बाद आप जो भी उस म्यूजिक वीडियो में आप जो भी म्यूजिक लगाना चाहते हो, जो भी सॉन्ग लगाना चाहते हो, वहाँ से सेलेक्ट कर लेना, सर्च कर लेना, सेलेक्ट कर लेना, फिर वहाँ से ऐड कर लेना, फिर आप उस वीडियो को अपलोड करना। इससे आप ऐसे करोगे आपके वीडियो में कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। और आप ऐसे करना, अपलोड करना, ताकि कोई दिक्कत नहीं आगे चलकर चैनल पे। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, आगे शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।